जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बगल में लगी हुई बेल आइकन को हिट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलर मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश वीर और आपका हमारे YouTube चैनल अमोली फ्रेंड्स क्लब में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज पे आज इंटरमीडिएट का प्रथम वीडियो आ रहा है आपके पास। तो इंटरमीडिएट में जो हमारे 5 सब्जेक्ट ज़्यादातर सामान्यतः सभी स्कूलों में चल रहे हैं, गणित हो गई, अंग्रेजी, हिंदी और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायो और मैथ में जो है ना, अलग अलग कुछ बच्चे बायो पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे मैथ पढ़ रहे होते हैं। तो आज इस सब्जेक्ट पे हम मैथ विषय से कुछ टिप्स आपके पास पहुंचाएंगे और ये मैथ विषय की टिप्स पहुंचाने के लिए आपके पास जो वीडियो हम देने जा रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं गोविंद सर। गोविंद सर को बहुत ही लंबा अनुभव है मैथ विषय का, 7 से 8 वर्षों का अनुभव है। एनसीईआरटी की जो बुक है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई है, तो उनके पास बहुत अच्छी जानकारी है और कुछ ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं आपको जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने ही वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि मैथ जो आपका मैथ है, इसमें चैप्टर तो कम हो गए हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा 6-6 बुक हुआ करती थी, इसके बाद फिर 3 बुक हुई और जिस समय आपके पास चैप्टर है उनमें हम डिवाइडेशन से करके डालेंगे, क्योंकि आपके शायद 6 इकाई हैं। तो पहले फलन वाला, बीजगणित का है, कलन का है, सदिश त्रिकोण, ज्यामिति का, रैखिक प्रोग्राम और ये प्रायिकता का, इस तरीके से चैप्टर है। तो 3-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 3-3 इकाई को। तो पहले पार्ट का वीडियो यहाँ पर देखते हैं, शुरुआत के 3 चैप्टर गोविंद सर से बोलते हैं कि 3 चैप्टर उठा करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दें। चलिए चलते हैं गोविंद सर के पास और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नमस्कार बच्चों, मैं गोविंद कुमार और मैं आपके लिए जो है गणित विषय के बारे में कुछ शॉर्ट टिक देना चाहता हूँ, जिसके लिए इस आप जो है इस समय जो बहुत कम समय बचा हुआ है इसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपने पूरे साल जो है तैयारी की हुई है, लेकिन इस समय जो है आपके पास बहुत डिप्रेशन होगा कि इतने कम समय में इस इतने बड़े सिलेबस को कैसे हैंडल किया जाए, उसी के बारे में। समय आपका बहुत कम है और पेपर तो एक बन के आना है, तुमको इस कंप्लीट करने के लिए करना क्या होगा कि हम लोग पूरे साल वर्ष जो है तैयारी की हुई है, लेकिन जब इतने कम जब कम समय आता है तो इसको जल्दी से कंप्लीट करना होगा कि हमारा पूरा कंप्लीट है कि नहीं। इसके लिए जो है आप पूरे एक एरिया वाइज जो है चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको ये समझना होगा कि हम किस एरिया से कैसा क्वेश्चन बन के आ रहा है, वो एरिया हमारा कंप्लीट है कि नहीं, ऐसे पूरा एरिया कंप्लीट करते हुए पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज जो है देखना चाहूँगा। जैसे पहला चैप्टर है आपका संबंध फलन, इस 100 नंबर के पेपर में वो 10 नंबर के क्वेश्चन आपके इससे आने वाले हैं, कम से कम 10 नंबर का। ठीक है, उसमें देखिएगा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, बिल्कुल निश्चित बताऊंगा, वो क्वेश्चन जरूर आएगा। संबंध फलन में आपका जो है द्विआधारी संबंधों के प्रकार में से एक क्वेश्चन बन के आने वाला है। कैसा क्वेश्चन उसमें आ जाएगा, दिया हुआ फलन जो संबंध है वो आपका जो है तुलता संबंध प्रदर्शित करता है, ये प्रूफ करने के लिए आएगा और हमको उसको सिद्ध करना होगा। तो देखो, संबंध जो है फलन में जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो श्योर हर सेट में आएगा, वो आपका जो है लॉन्ग में हो सकता है या मीडियम लॉन्ग में हो सकता है, 5 नंबर या 8 नंबर क्या आएगा, तो आपको पता ही है जो है स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए उस संबंध को आपको जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों प्रकार के संबंध को प्रूव करना होगा। बिल्कुल निश्चित कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको जो है उसको तुलता संबंध प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद इसको आपका बनने वाला होगा फलनों के प्रकार में से आपका। जब आप फलनों के प्रकार में आपने देख जान लिया होगा फलन आपका जो है एकैकी है, आच्छादक है या एकैकी आच्छादक, सभी जानते हैं फलन एकैकी आच्छादक कब होता है, जब वो एकैकी और आच्छादक दोनों हो तो उसको एकैकी आच्छादक फलन कहते हैं। तो उसके लिए आपको जो है पहले उसको एकैकी दिखाना पड़ेगा, फिर उसको आच्छादक दिखाना पड़ेगा, उससे आपका बन जाएगा फलन एकैकी और आच्छादक। उसकी जो है बेसिक जो कंसेप्ट है उनको कंप्लीट करना होगा, बिना जो है ऐसे बिना मार्कर से जो वगैरह बोर्ड के माध्यम से नहीं बता सकता है, लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का बन के आने वाला है। तो हमने देखो संबंध फलन के 2 क्वेश्चन बता दिया, एक आपका द्विआधारी संबंध में
तुलता संबंध प्रदर्शित करने के लिए आएगा और एक में सिद्ध करने के लिए आएगा, दिया सिद्ध कीजिए दिया गया फलन जो है आपका एक एक या छादक है। दोनों क्वेश्चन श्योर आने हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है द्विआधारी संक्रियाओं से। तो द्विआधारी संक्रिया जो आपका जो परिभाषा होती है और जो उसका कंसेप्ट होता है उसको तैयार कर लीजिएगा। इतना ही आपका संबंध और फलन चैप्टर से आएगा, 10 नंबर का। आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि द्विआधारी संबंधों के प्रकार में जब आपको अच्छी तरह से कौन संबंध किस संबंध को स्वतुल्य कैसे सिद्ध किया जाता है और सममित कैसे सिद्ध किया जाता है और संक्रामक कैसे सिद्ध किया जाता है, ये आपको आना ही चाहिए। उसका क्वेश्चन श्योर आना, 10 नंबर के हो गए आपके, हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगली इकाई में, बीजगणित में। आपने देखा होगा बीजगणित में सारणिक और आव्यूह, सारणिक आव्यूह बच्चों के लिए बहुत जो है इजी चैप्टर होता है, बट हाँ उसकी जो परिभाषाएं हैं जो कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरह से कंप्लीट होने चाहिए। 13 नंबर का आपको इससे सारणिक और आव्यूह से आना है आपका। उसमें से पहले हम लॉन्ग क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं इस चैप्टर के, कौन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक क्वेश्चन श्योर आना है, 100% आएगा, आव्यूह विद से तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए, आव्यूह विद से श्योर आएगा। 8 नंबर का आने वाला है। अब आपको अगर 8 नंबर लेने हैं तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, श्योर आएगा। इसके बाद सारणिक से एक क्वेश्चन आने वाला है, हो सकता है वो लॉन्ग में आए, नहीं तो एक 5 नंबर क्वेश्चन सारणिक से बन के आएगा और सारणिक में प्रूव करना होगा बिना प्रसार के माध्यम से या प्रसार के माध्यम से आपका आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बिना प्रसार जो सारणिक के जो 7 या 8 गुणधर्म हैं उनके माध्यम से उसको सिद्ध करना होगा। हमारा कहने का तात्पर्य सारणिक के जो गुणधर्म आपके बताए गए, सारणिक गुणधर्मों की सहायता से सारणिक का जो एक सिद्ध करने के लिए एक सर्वसंख्या टाइप में आएगा उसमें आपको सिद्ध करना होगा। देखिए 2 हमने लॉन्ग क्वेश्चन बताए उसमें श्योर आने वाले। इसके बाद जो है जो छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं, 2 आव्यूहों का गुणफल, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर, इससे तो नॉर्मल क्वेश्चन बन के आने वाले हैं जो बच्चों के लिए बड़े आसान होते हैं। 2 आव्यूहों का जोड़, 2 आव्यूह कैसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है 2 आव्यूह का योगफल तभी किया सकता है जब दोनों आव्यूह जो है समान क्रम के हों, और ऐसे ही उनको अंतर हो सकता है। अच्छा, गुणफल की बात करें तो आपको पता है 2 आव्यूहों का गुणफल केवल तभी पॉसिबल है, जैसे एक आव्यूह ए एक आव्यूह बी है, इनका गुणफल ए बी तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान हो। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन हमने लॉन्ग क्वेश्चन बारे में जो है जानकारी दी हुई है उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे बताना चाहेंगे बीजगणित से आव्यूह विधि द्वारा तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल आने वाला है, श्योर आएगा, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एक अगली इकाई में जिसमें सबसे ज्यादा अंक मिलने वाले हैं, 44 नंबर कम से कम मिलने वाले हैं, 44 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें कलन से। कलन चैप्टर का जो नाम तो बहुत जो है नाम कलन बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। कलन में आपको अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलन का अनुप्रयोग, इतना पढ़ना है आपको। चलो हम अवकलन की बात करते हैं, जैसे कि क्लास कक्षा 11 में आपने जो है अवकलन की नॉर्मल परिभाषाएं पढ़ी थी। इसके बाद जब क्लास 12 में आए उसमें अवकलन का विस्तार रूप पढ़ा, जैसे कि अवकलन का जो है श्रृंखला नियम या प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन मतलब कि प्रथम प्रकार का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि का अवकलन करना पड़ता है आपको, इसको कंप्लीट करना है। और फिर इसके बाद अवकलन के जब अनुप्रयोग में आते हैं, अवकलन के अनुप्रयोग में जैसे मान लेते हैं अवकलन दर मापक के रूप में एक क्वेश्चन उसका आता है, लॉन्ग में तो नहीं बनेगा, 2 नंबर या 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन के आएगा अवकलन दर मापक के रूप में। और फिर हम जाते हैं मध्यमान प्रमेय में, आपका एक क्वेश्चन निश्चित आने वाला है भाई, नोट कीजिएगा मध्यमान प्रमेय। इसमें आपके जो है 2 प्रकार के प्रमेय हैं, एक रोले का प्रमेय और एक लैग्रांज का प्रमेय। इनके दोनों के जो कंसेप्ट हैं बिल्कुल नॉर्मल है, दोनों के जो कंसेप्ट है उनको कंप्लीट करना है। और उसमें एक दो कंप्लीट करने के लिए
आपको पहले कंटिन्यूटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो फलन का एक पार्ट है, कंटिन्यूटी, सततता सिद्ध करना पड़ेगा। कोई फलन आएगा, वो फलन किसी बिंदु पर सतत कब होता है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई फलन किसी बिंदु पर सतत कब होता है, या अब बिंदु नहीं दिया जाएगा तो ये भी जांचना होगा कोई फलन सतत कब होता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कोई जो है फलन सतत कब होता है, तो श्योर है हमको ऑल रियल नंबर पर उसको चेक करना होगा, ठीक है। तो पहले आप सीखिएगा लैग्रांज और जो है रोली का प्रमेय कंप्लीट करने के लिए बच्चे को कंटिन्यूटी की ज्ञान होना जरूरी है, मतलब कोई फलन सतत कब होता है, कैसे होता है, उसको जानना जरूरी है। तो वो सीख लिया जाएगा, इसके बाद हम लैग्रांज प्रमेय जो उसका परिभाषा है और रोली प्रमेय की, उसके माध्यम से जो है उसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं। अवकलन के अनुप्रयोग में हम जाते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ध्यान दीजिएगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट एक क्वेश्चन लांग में बन सकता है, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिएगा कि दिए हुए एक बेलन के आयतन, दिए हुए जो है बेलन के आयतन में इसका आयतन अगर अधिकतम होता है तो उसमें उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में ये रिलेशन बन जाएगा। तो कुछ समथिंग इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले होते हैं, मतलब उसमें ये देखना पड़ता है कि कोई चीज आपको जो है कंस्टेंट दिया जाएगा, उसके सापेक्ष आपको जो है ये दिखाना पड़ेगा कि उसमें इन राशियों में संबंध हो जाता है, जब आयतन अधिकतम होगा तो ऊंचाई और त्रिज्या में क्या रिलेशन हो जाता है। ऐसे ही समथिंग क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य उच्चिष्ट और निम्निष्ट किसी प्रकार की 3D या 2D या द्विमी या त्रिमी ज्यामिति से संबंधित कोई आकृति आ जाएगी, उसमें सिद्ध करना होगा। हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन उसमें आता है अवकलन के अनुप्रयोग में, किसी भी अपरिमेय संख्या आएगी उसका अवकलन के अनुप्रयोग के माध्यम से सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए। पिछले जो है सालों से इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि पूछ लीजिएगा दशमलव अंडर रूट 2.5 का जो है सन्निकट मान ज्ञात कीजिएगा। एक हमने बताया ना कि एक अपरिमेय संख्या का लगभग या सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए जिसमें अवकलन विधि का प्रयोग किया जाएगा, उसका एक निश्चित क्वेश्चन आएगा। फिर हम बात करते हैं समाकलन। समाकलन, समाकलन जितना जो है इसमें NCERT की अकॉर्डिंग जितना सिलेबस दिया गया है, और बहुत कम सिलेबस है समाकलन का, जैसे कि जनरल आपके फलन दिए गए हैं उनका जो है समाकलन आपको ज्ञात करना होगा, और समाकलन के साथ में कुछ परिमेय फलन आएंगे। जैसे हम सीधे बात कर देते हैं कि आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडसा समाकलन, और इसके बाद जो है जब खंडसा फलन की, जब खंडसा समाकलन की बात करते हैं, देखो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, आपने पढ़ा होगा उसमें ज़्यादातर एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है आइलेट। उसमें जब खंडसा फलन समाकलन ज्ञात करना पड़ता है तो आपको एक प्रथम फलन और एक द्वितीय फलन का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का चुनाव करना पड़ता है। उस चुनाव के लिए जैसे मान लेते हैं दोनों फलन आपके ऐसे हैं जिसमें एक का समाकलन आप को समझ लीजिए आता है, दूसरे जो फलन का समाकलन नहीं आता है, तो प्रथम फलन उस फलन को मानते हैं जिसका आपको जो है समाकलन नहीं आता है, एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका, अगर मान लेते हैं दोनों फलन ऐसे जो है गुणक रूप में आ गए हैं जिसमें आपको खंडसा फलन जो है समाकलन की विधि इस्तेमाल करना है, दोनों आपके जो है फलन ऐसे हैं जिनका समाकलन आपको करना आता है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये रूल लगाने वाले होते हैं, तो इसके लिए आपको एक आइलेट का क्रम बताया गया, एक प्रकार की ट्रिक है। इसमें जैसे शब्दों को जो है अक्षरों का जो है प्रेफरेंस किया गया है आइलेट, आई फॉर होता है इनवर्स फंक्शन, लेकिन आपके इसमें केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। इसके बाद आपका एल, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ए फॉर एलजेब्रिक फंक्शन होता है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, मतलब चर घातांकी फलन। ये जो आपका क्रम वाइज दिया गया है आई एल ए टी ई,
इसमें आपको जो है जैसे भी कोई फलन आएंगे उनको जिस नंबर के अनुसार जैसे लेटर इसमें रखे गए हैं आईलेट में उसी प्रकार फर्स्ट और सेकंड का वरीयता दी जाती है। जैसे कि मान लेते हैं एक आपका एलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, एक आपका जो है त्रिकोणमिति फंक्शन, एग्जाम्पल के लिए जैसे आ जाए आपका एक्स इंटू साइन एक्स, तो एक्स आपका एलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा और साइन एक्स आपका त्रिकोणमिति फंक्शन हो जाएगा। तो आईलेट में आप देखिएगा कि उसमें आपका एलजेब्रिक फंक्शन जो है आपका पहले आ रहा है त्रिकोणमिति फंक्शन जो है फलन से, तो उसमें आपको एलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा और खंडसा रूल का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको फिर आपका आता है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। देखिए बात ये होती है ऐसा हम क्यों करते हैं, चूंकि हमने जो है फलनों के समाकलन के सूत्र याद कर लिए होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आपने साइन एक्स का जो है समाकलन याद जो सूत्र याद कर रखा है माइनस कॉस एक्स और कॉस टेन प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं। देखिए अब आपने फार्मूला याद कर लिया कि साइन एक्स का जो है समाकलन एक्स के सापेक्ष माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगर अब कोई फंक्शन इसी टाइप का बन के आएगा तब तो उसका हम समाकलन माइनस कॉस एक्स रखेंगे, सो सी बात है। तो अब फलन हमेशा इसी प्रकार का रख तो आएगा नहीं, जैसे मान लेते हैं आपका साइन ए एक्स प्लस बी आ गया, सोचिएगा साइन ए एक्स प्लस बी है तो आपका जो है जो सूत्र आपने याद रखा है साइन एक्स टाइप का होना चाहिए था, तब तो आप माइनस का एक्स कर पाएंगे, इसलिए ए एक्स प्लस बी एक नए चर में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसी विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। हमारा कंसेप्ट ये था कि हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि जब भी हमने कोई फलन जो सूत्र याद किया हुआ है उसके मानक रूप में याद किया हुआ कोई फलन आएगा तो आपको ये मानक रूप बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो अलग अलग विधियां बताएगी आपको, प्रतिस्थापन विधि है, फिर हम लोग जो है एक चलते हैं आंशिक भिन्न द्वारा, आंशिक भिन्न के माध्यम से हम फलनों को मानक रूप बना लेते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं सूत्रों का, इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। और इसके बाद जो है समाकलन के बाद अनिश्चित समाकलन के बाद हम लोग निश्चित समाकलन में चलते हैं। निश्चित समाकलन में आपके जो है विशेष रूप से देखा जाए तो इसमें फलन, इस फलन का समाकलन एक निश्चित सीमा के अकॉर्डिंग ज्ञात किया जाता है। उसके लिए आपको जो है जो कंसेप्ट आपके बेस पे है, पहले हम जो जो है फंक्शन का पूर्ण नियम से समाकलन करते हैं और इसके बाद हम सीमाओं के अंतर्गत उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। वो वैल्यू आपकी निश्चित होती है, नियत आती है, इसलिए जो है हम लोग जो है उसको निश्चित समाकलन कहते हैं। अब उसमें जो है कुछ ऐसे फंक्शन हैं, कुछ हम लोग निश्चित समाकलन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, टोटल आपकी 7 प्रॉपर्टीज हैं और सातों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके फलन को समाकलन ज्ञात करने, निश्चित समाकलन ज्ञात करना बहुत आसान हो जाता है। तो उन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको ऐसे बोल के नहीं बताया सकता है प्रॉपर्टीज को, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि उन प्रॉपर्टीज से संबंधित एक क्वेश्चन श्योर आना है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको, ये टाइप का क्वेश्चन जो है श्योर आने वाला है, जैसे कि इंटीग्रेशन लिमिट मान लेते हैं 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स, ये आपका क्वेश्चन जो है आ जाए, इसको कंप्लीट कर लीजिए इस टाइप के। इसके बाद हम लोग चलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग मतलब निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग करना होगा कुछ आकृतियों के घिरी हुए दो वक्रों के या एक वक्र के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा, जिसमें हम लोग निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग कह सकते हैं, दो वक्रों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसका क्वेश्चन होने वाला है, उसको क्वेश्चन 5 नंबर या 3 नंबर के हो सकता है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा एक 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 एरिया कंप्लीट करना है आपको, कि हमने बताया कि भाई इस टाइप क्वेश्चन आना है तो उसको कंप्लीट करिए आप, देख लीजिए वो क्वेश्चन कर पाए नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हैं इस विधि का, हमने एग्जाम्पल दिया कि आपको दो वक्रों के बीच जो है घिरा हुआ क्षेत्र जो है क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग से, तो आप इस प्रकार के 2-3-4 क्वेश्चन करिएगा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं सक्षम है तो समझ लीजिए आपका वो एरिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं अगले पार्ट में, अब आगे की जो चीज हम जो है अगले नेक्स्ट पार्ट में देंगे, और तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। सर आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी हमारे जो यहाँ पे अमोली फ्रेंड्स क्लब में जुड़े हुए हमारे दोस्त हैं इंटरमीडिएट के, और शायद आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से तैयारी करें। जो कलन का चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ज़्यादा नंबर का आता है 44 नंबर का, तो और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया सर ने, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और इस समय चैनल पे एक प्रॉब्लम आई हुई है क्योंकि अभी कुछ ऐसे इशू आया था चैनल पे जिसकी वजह से
जो व्यू है वो व्यू कम दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, और व्यू हो ज्यादा रहे हैं। इस बारे में YouTube से बात हुई है मेल के माध्यम से, उन्होंने बताया ऐसी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो का लिंक जो है उठा करके अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो आपके मित्र कहीं और हैं जो AFC के जो इस YouTube चैनल से जुड़े नहीं हैं उनको आप फॉरवर्ड करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट की भी आप तक जानकारियाँ पहुँचाई जाएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, अगर आपके मन पर कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जो सेकेंड पार्ट है उसके वीडियो को हम आप तक पहुँचाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन की बटन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो भी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।